सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। जहां एक तरफ पूरे देश में नागरिकता संशोधन बिल और कैब के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आज मुजफ्फरपुर में बिहार बंदी होने के बावजूद मुजफ्फरपुर के आम नागरिक इस बिल के समर्थन में उतर चुके हैं। और अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर शहर के कंपनीबाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल के पास, जहां पे आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के आम नागरिक इस बिल के समर्थन में केंद्र सरकार को आभार जता रही है। आभार व्यक्त करते हुए यहां पे पूरे जोश के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन इस बिल के समर्थन में किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जहाँ बिहार बंदी में पूरा मुजफ्फरपुर में इसका विरोध किया जा रहा है, वहीं अभी शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पे इस बिल के समर्थन में युवा पूरा हुंकार भर रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे युवा किस प्रकार से पूरे जोश में भारत माता की जयकारा नारा लगा रहे हैं, केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। और आइए हम जानते हैं यहाँ पे अभी मेरे यहाँ पे हमारे साथ मुजफ्फरपुर जिला के नागरिक संदीप झा जी जुड़े हुए हैं और हम इसे जानते हैं। आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो संसद में बिल बनाया गया है, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने भारतीय नागरिकता को बरकरार रखने का बात कहा है, उन्होंने सिर्फ घुसपैठियों को बाहर करने का बात किया है और हम लोग उनके फैसले के साथ हैं और उनके सम्मान में आज हम लोग उस नागरिक संशोधन बिल के आभार यात्रा कर रहे हैं, जो स्थानीय खुदीराम बोस मैदान से कल्याणी चौक तक जाएगी और हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। एक तरफ पूरे बिहार में आज बिहार बंद किया गया है इस बिल के विरोध में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चाटुकार नेता और कुछ जो देश द्रोही नेता हैं जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, वैसे किसी मुस्लिम को देश से निकालने की बात नहीं कही गई है जो आज़ादी के समय से इस देश में, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के खिलाफ वो लोग अति पिछड़ों को, कभी दलितों को, अब मुसलमानों को भड़का रहे कि सबको देश से निकाल दिया जाएगा। मेरे पास कई वीडियो हैं जहाँ वो महादलित को भी समझा रहे हैं कि आप लोग को देश से निकाला दिया जाएगा, आज हमको कह रहे हैं कल आपको कहेंगे। इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। इस भारत देश में सबको रहने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने सिर्फ यही कहा है, जो घुटपैठी है, जो बंगला रोहिंग्या मुसलमान है, उनको बाहर किया जाएगा। देश के मुसलमान और देश के हिंदू या देश के अति पीछे, देश के महादलित सब एक साथ है और एक साथ रहेंगे, लेकिन गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही है। सीएबी का फॉर्म नव सिटीजनशिप एविडेंट बिल और अब एक्ट हो गया है जो लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो चुका है। संजीव कुमार झा, तो यहाँ पे आपने देखा कि इनके बिल के समर्थन में, एक्ट के समर्थन में किस प्रकार युवा पूरे जोश खरोश के साथ भारत सरकार के इन फैसलों पे अपनी समर्थन जता रहे हैं और मुजफ्फरपुर में इन एक्ट के लिए पूरी तरह से युवा सड़क पे उतर करके इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। और बिहार बंदी होने के बावजूद मुजफ्फरपुर के आम नागरिकों में इस बिल के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार को वो धन्यवाद दे रहे हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का वो धन्यवाद दे रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पे हैं जी, बताइएगा क्या कहना है? आज हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बोले हैं कि भारत चाहे मुसलमानों को हम अपने देश में नहीं रहने देंगे, तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अगर वह मुस्लिम के सपोर्ट में है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों बोले कि हम हिंदुस्तान चाहे मुसलमानों को अपने देश में जगह नहीं देंगे, नागरिकता नहीं देंगे, मगर हमारा देश और हमारे देश के लोगों का दिल इतना बड़ा है कि सभी के लिए जगह खाली है, सब लोग आए हमारे यहाँ रहे, मगर हमारे संविधान को मानते हुए रहे, हम उस चीज को कोई नहीं है। सीएबी और एनआरसी के खिलाफ गलत रिपोर्ट दिया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, दलित को ही भड़काया जा रहा है, क्योंकि मैं खुद दलित समाज से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है कि दलित क्या है और दलित हिंदुस्तानी है। दलित बाहर से नहीं आए हैं, जो बाहर से आए हैं उस
किसके लिए एनआरसी और सीए भी है, दलित के लिए नहीं है। जो बाहर से आ रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं। मेरा नाम सौरभ कुमार, हिंदू समाज पार्टी जिला मंत्री। तो आपने देखा और सुना, यहाँ पे यहाँ के युवा, मुजफ्फरपुर के आम नागरिकों में इन बिल के लिए काफ़ी खुशी है और इस बिल का समर्थन करते दिख रहे हैं। यहाँ पे अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर के शहीद खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल के पास, जहाँ पे भारी तादाद में युवा वर्ग के लोग यहाँ पे जुट चुके हैं और इन बिल का, इन एक्ट का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। और केंद्र सरकार के समर्थन में, केंद्र सरकार के इन एक्ट के समर्थन में ये लोग अपने समर्थन दे रहे हैं। और मुजफ्फरपुर में भारी तादाद में युवा यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं और इन सबके समर्थन में ये यहाँ पे खड़े हैं। अब हम आपको और भी ताजा अपडेट कराते रहेंगे, आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। दिलजीत गुप्ता, सीजो न्यूज, संवाददाता मुजफ्फरपुर।